फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अलीश रेपर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल ईट एंड मोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाजाबाद में, और ये जो सर सैद कॉलेज के साथ जो उर्दू बाज़ार है, किताबों का बाज़ार है, उस रोड से जब हम अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद आपको यहां मिलेगा एक बहुत मशहूर शफीक भाई बर्गर, और ये बहुत मशहूर है। मुझे हमारे किसी दोस्त ने रिकमेंड भी किया था कि आप यहाँ आइए, इनका बर्गर बहुत मशहूर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शफीक भाई का बर्गर। कराची में जो है वो बर्गर इतना खाया जाता है कि इसकी कोई हद नहीं है, और जितने कराची में बर्गर बनता है उतना ही बिकता है, उतना ही लोग खाते हैं। खाली शामी कबाब है, एक दाल अंडे, एक शामी अंडे, वो अलग है। शामी अंडे में गोभी डाल देना। गोभी अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डाक्टर को साफ करो। माइनस यूज नहीं करो ना, बन गया भाई। माइनस जब बोल रहे सब आ जाएगा। मसाला डाल देना, डाल डाल भी कह रहा हूँ सादा क्या बोले, सादा क्या बोले बोल। रेस्ट का टाइम, पकाने का टाइम नहीं मिलेगा। सर, ये शफीक भाई के छोटे भाई हैं। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी साहब, अब्दुल बाकी साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल बाकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया यहाँ शफीक भाई का? ये 83 से यहाँ लगाया अपना बेकरी के सामने, नाजोबाद एक नंबर आलासन चौक पे अपना बेकरी सामने। 83 से लगाया, 83 से ये बर्गर लगाया। अच्छा, माशाल्लाह।
तो ये टाइम कब से कब तक होता है आपको बंद करने? सुबह 9 से रात 2:30 तक। सुबह 9 से 2:30 बजे तक रात के वक्त। जो है आपके इधर देखिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर नबी है सर। नूर नबी, ये है नूर नबी साहब, देखें इनके। ये कुरंगी से तालुका, ये कुरंगी में रहते हैं जी। कुरंगी डाई नंबर। अच्छा अच्छा, कुरंगी डाई नंबर में रहते हैं नूर नबी। और ये अब देखें, ये पहाड़ी बनाते जा रहे हैं, पहाड़ बन रहा है इसका कबाब का। और ये इनका जो कबाब का ये जितना इन्होंने ये ढेरी लगाई हुई है, ये सारी 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह शफीक भाई का बर्गर बहुत मशहूर है यहाँ पे, और बड़ी दूर दूर से लोग खाने आते हैं। और ये बहुत अच्छा इनका जायका और बहुत अच्छा मियार है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? नाम सर आपका क्या है? सरफराज साहब। सरफराज साहब, कैसा बर्गर है शफीक साहब? बहुत माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है। कब से खा रहे हैं आप? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह का। आपका नाम क्या है जनाब? खालिद अली नाम। खालिद अली साहब, कैसा है शफीक साहब का बर्गर? ज़बरदस्त माशाल्लाह, ज़बरदस्त जायका। शफीक भाई जो है 83 से यहाँ पे बर्गर का स्टाल लगा रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? जायका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और उसके अलावा सफाई वफाई ये वो सब बेहतरीन है? सब बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये देखें जनाब, हमारा बच्चा माशाल्लाह नौजवान बच्चा ये शरीफ भाई का बर्गर खाने आए। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन कादरी। हसनैन कादरी साहब कैसे हैं, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। शफीक भाई का बर्गर खाने आए, कैसा रायका इनका, कैसा है? कब से खा रहे हैं? 3 साल से खा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। अच्छा जी, ये हैं शफीक भाई। एक महीने से बोलना चाहिए। और ये देखें आप, माशाल्लाह पूरा इन्होंने तवा जो है वो सजा दिया है। फिर से हाथ में वो बन जाएगा, काट दिया पहले भी नहीं गया।5 साल डालेंगे 2 साल डालेंगे 3 साल डालेंगे। प्लेट में खाओगे? नहीं, डेबो 5 रुपए। ब्रांड 210 पूरे डे वाइज जैसे मेरा पैसे हो गया। 5 साल तो लो आपको कितने? 40 वाले सादे बर्गर। का बर्गर ओ फुली आ गया ना सर। 2 अंडा हो गया। 3 अंडा केचप होगा? केचप और चटनी ज़्यादा कर देना, 2 सादे में अंदर। केचप कम, चटनी चटनी ज़्यादा, केचप का
क्या चीज़ दिया है शफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हरि साहब कैसे हैं? अभी आपके भाई खड़े हुए थे, उनसे बात हुई है। अच्छा जी, उन्होंने बता दिया 83 से बना रहे हैं यहाँ पे बर्गर। बिल्कुल बिल्कुल। ये हैं जी शफीक भाई। भाई कभी गलत बता सकते हैं?